आजकल घरों में खूबसूरत मंदिर बनवाना आस्था के साथ साथ फैशन भी बन गया है। इन मंदिरों में देवी देवताओं की खूबसूरत प्रतिमा स्थापित की जाती है। इन मंदिरों में सुबह और शाम नित्य पूजा होती है और धूप दीप और कर्पूर से देव विग्रह की आरती भी उतारी जाती है। देव विग्रह की आरती को लेकर शास्त्रों में कुछ जरूरी नियम बताए गए हैं। इन नियमों का पालन करने से देवी देवताओं का आशीर्वाद अति शीघ्र प्राप्त होता है। आइए जानते हैं काशी के ज्योतिष आचार्य जी से इसके बारे में। नमस्कार, ये आपने प्रश्न बहुत अच्छा किया है कि आरती के नियम क्या है और किस प्रकार भगवान को हम निराजन आरती करें। तो आरती हम जो है करते हैं दो तीन चीज़ों से। एक तो हम धूप दिखाते हैं, दीप दिखाते हैं और कर्पूर की आरती करते हैं। तो हम कोई भी आरती धूप दीप कर का अगर कर रहे हैं तो हमको इस विशेष चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि अगर धूप या दीप कोई भी हो तो विषम संख्या में होनी चाहिए, एक नहीं होनी चाहिए, दो नहीं होनी चाहिए, या धूप तीन हो, पाँच हो या सात हो। आरती की बत्तियां भी अगर हो तो तीन हो, पाँच हो, सात हो या नौ हो, इस तरह की बत्ती बना करके आरती करनी चाहिए। और आरती जब भी करें तो सबसे पहली बात है कि चार बार पैर की ओर घुमाना चाहिए, दो बार नाभि की ओर घुमाना चाहिए, एक बार मस्तिष्क की ओर घुमाना चाहिए, तो सात बार हो गया। उसके बाद फिर मस्तिष्क से लेकर के पांव तक सात बार घुमाना चाहिए पूरा, तो साथ साथ 14 बार जो है ये आरती होती है, चाहे धूप की आरती हो, चाहे दीप की आरती हो, चाहे कर्पूर की आरती हो। तीनों आरतियां जो हैं ठाकुर जी की को करें, चाहे भगवती को करें, किसी को भी करें, ओम की आकृति बनाते हुए चार बार पैर पर, दो बार नाभि पर, एक बार मुखार बिंदु पर, कुल सात बार हुआ, फिर मुखार बिंदु से लेकर पांव तक हम नीचे तक ले आते हैं सात बार, साथ साथ कुल 14 बार जो है आरती करने का विधान है। और आरती करने के बाद शंख के जल को भगवान के ऊपर से तीन बार घुमा करके भक्तों के ऊपर छिड़क देने से यह निराजन पूर्ण। पंडित संजय उपाध्याय ने लोकल 18 को बताया कि देव विग्रह की आरती प्रायः धूप, अगरबत्ती, दीप और कर्पूर से होती है। आरती के लिए जब भी धूप अगरबत्ती का प्रयोग करें तो इनकी संख्या हमेशा विषम होनी चाहिए, यानी तीन, पाँच, सात या फिर नौ अगरबत्ती धूप जलाकर देवताओं की आरती करनी चाहिए। दीप से आरती के लिए भी उसमें तीन, पाँच या फिर सात बत्ती लगानी चाहिए। लोकल 18 वाराणसी से अभिषेक जायसवाल की रिपोर्ट। इस वीडियो में दी गई जानकारी ज्योतिषाचार्य के अनुसार है, लोकल 18 इसकी पुष्टि नहीं करता है।